Hi guys, this is Sonia and I welcome all of you to my channel Nomadic Tale. And आज का जो टॉपिक मैंने डिसाइड किया है दैट इज़ हाउ टू क्रिएट योर चैनल आर्ट. आई बिलीव आप सभी को पता है कि किस तरह से चैनल आर्ट प्रिपेयर किया जा सकता है, बट कोई भी एक फ़ोटो को पिक करके आप उसे अपलोड कर दो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, वो कर सकते हो. लेकिन इन अ सिस्टमैटिक वे एंड इन अ सिंपल टू स्टेप कैसे करके करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहले जान लेते हैं व्हाई चैनल आर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आपके 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं और आप अपने चैनल को अपने URL को अनेबल करने जाते हैं, तब यूट्यूब के क्राइटेरिया में पड़ता है चैनल आर्ट को आपको अपलोड करना है. सो चैनल आर्ट को आप किस तरह से सुंदर से बनाएंगे दैट इज़ अप टू यू. आप अपने चैनल को उसको किस तरह से रिलेट करेंगे. अगर आपको फूड पसंद है तो इट शुड बी रिलेटेड टू फूड, ये आप डिसाइड करोगे. लेकिन किस तरह से विद अ सिंपल स्टेप आप करोगे और अपलोड करोगे वो मैं आपको बताऊंगी. लेकिन बिफोर दैट मैं आपको ये भी यहाँ तक भी लेके जाती हूँ कि किस तरह से आप अपने चैनल आर्ट के जो गाइडलाइंस है जो यूट्यूब ने हम लोग को दिया है मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ. सो लेट्स गो. सो गाइज, फटाफट अपना क्रोम का जो चैनल है उसे खोल लेते हैं. तो मैंने इसे खोल लिया एंड मैं ऑलरेडी यूट्यूब के अंदर लॉग इन की हुई हूँ. ये राइट हैंड अपर लोगों के ऊपर आप देखने से आपको पता चल जाएगा. देन क्लिक ऑन दिस बटन, उसके बाद योर चैनल बोल के एक ऑप्शन है उसे वहाँ चले जाते हैं. सो यहाँ जाने के बाद जो है वो मेरा जो चैनल का जो पेज है कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है. नाउ यहाँ पर जो एक बटन एक कैमरा का छोटा सा लोगो है, जस्ट क्लिक ऑन दैट. क्लिक करने के बाद आपके पास जो पेज खुलता है कुछ इस तरह से खुलता है. नाउ नीचे देखिए एक हाउ टू क्रिएट चैनल आर्ट बोल के एक ऑप्शन है, तो इसे क्लिक करते हैं. क्लिक करने के बाद जो है जो हमारे YouTube महाराज के जो गाइडलाइंस है मैं आपको वो दिखा देती हूँ. यहाँ पर इमेज साइज़ एंड फाइल गाइडलाइंस बोल के ऑप्शन है, इसे क्लिक करने से आपके पास जो इसके साइज़ के जो डायमेंशन है वो आपको दिखाई देगा. दैट इज़ टीवी की डिस्प्ले के लिए है 2560x1440. मिनिमम डायमेंशन फॉर अपलोड के लिए है 2048x1152 और सेफ एरिया टेक्स्ट एंड लोगो के लिए है 1546x423. सो गाइस, ये दो एरिया में आज मैं आप लोग को बताऊंगी. वन इज़ मिनिमम डायमेंशन अपलोड के लिए और सेकंड इज़ टेक्स्ट एंड लोगो के एरिया में मैं काम करके आपको बताऊंगी कि किस तरह से करते हैं. सो बिफोर गोइंग फर्दर, यहाँ पर यूट्यूब साहब ने अपना एक आर्ट टेम्पलेट भी डाउनलोड करके रखा हुआ है. आप इसे डाउनलोड कीजिए, करने के बाद इसके ऊपर आप काम करके इसे भी आप अपलोड कर सकते हो. तो यहाँ पर टीवी करके एक ऑप्शन है, यहाँ पर अलग अलग डायमेंशन है, डेस्कटॉप है, टैबलेट है और मोबाइल की जो स्क्रीन है उसका भी अलग अलग डायमेंशन दिया हुआ है. तो ये इसे आप डाउनलोड करने के बाद अलग एरिया में अलग आर्ट अटैच करके आप इसको अपलोड कर सकते हो. लेकिन As we are new, इतने difficult चीज़ अभी हम लोग सीखे नहीं हैं. जब हम लोग पुराने होते जाएंगे तब इसको और भी बेहतर तरह से हम लोग कर पाएंगे. सो सिंपल वे में मैं सिंपल से आपको बताऊंगी किस तरह से करेंगे. बस दो डायमेंशन में आज हम लोग काम करेंगे. एक है डेस्कटॉप मैक्स साइज में काम करेंगे एंड अनादर वन इज़ टेक्स्ट एंड लोगो सेफ एरिया में काम करेंगे. So guys, without wasting time, let's go and check it out how I am going to do it. So guys, editing का जितना भी काम मैं करती हूँ या फिर अभी तक मैंने किया है वो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में ही किया है. सो मैंने जिस ऐप से किया है वो है पिक्सल लैब ऐप, क्योंकि इसमें रिसाइज करना बहुत आसानी से हो जाता है. सो लेट्स गेट इन टू दिस. तो पेज खुलने के संग संग आपको पेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा. नाउ फर्स्ट थिंग जो हम लोग करेंगे दैट इज़ ये आपके राइट हैंड साइड में अबव में थ्री डॉटेड लाइन दिखाई देगा, जस्ट क्लिक ऑन दिस. इसके बाद जो इमेज साइज़ है इस इमेज साइज़ के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे. क्लिक कर लिए. देन फर्स्ट मैंने बोला था दो चीज़ पे काम करेंगे, एक है मिनिमम डायमेंशन के ऊपर. नाउ जो मिनिमम डायमेंशन यूट्यूब ने हम लोग को इंस्ट्रक्ट किया है दैट इज़ 2048
एंड हाइट जो है दैट इज़ 1152। सो इसे हम लोग ओके कर लेते हैं। नाउ ऑटोमेटिकली जो पेज है वो इसी डायमेंशन में पेज है। अभी इसके अंदर आप अपना जो चैनल है, चैनल के आप अपने लोगो लगा सकते हैं, या फिर कुछ वॉलपेपर अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो। लाइक अगन गो टू लेफ्ट हैंड साइड में क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर फ्रॉम गैलरी बोल के एक ऑप्शन है, उसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके जो जहाँ पर आप सेव करके रखे हैं उस एरिया को आप ले लीजिए। सो आई एम टेकिंग दिस वन। तो ये वाला इमेज मुझे पसंद है तो मैंने इसे सेव करके रखा था, तो मैं ये वाले इमेज को ले लेती हूँ। तो इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ ताकि ये साइज़ में फिट हो जाए। सो हियर वी गो। ये एक डायमेंशन जो है ये हम लोग ने कर लिया। नाउ सिंपली जाके मैं इसे जो सेव एज इमेज बोल के ऑप्शन है, मैं इसे सेव कर देती हूँ। सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस सेव टू गैलरी बोल के आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इसे जो है इसे क्लिक कर दीजिए और गैलरी में जो है आप इसे सेव कर लीजिए। सो गाइज ये जो इमेज है ये मेरा सेव हो गया है गैलरी के अंदर। नाउ अभी हम लोग जो सेकेंड चीज़ करेंगे दैट इज़ सेकेंड डायमेंशन के ऊपर काम करेंगे या साइज़ के ऊपर काम करेंगे। तो फिर ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आपके लेफ्ट के नीचे जो डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है उसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ओके जो है उसे ओके कर दीजिए, तो वो वाला जो पिक हम लोगों ने करके रखा था वो चले जाएगा। तो दिस हाउ द स्क्रीन वुड लुक। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को अभी जो साइज़ चेंज करना है, फिर से हम लोग अबव 3 डॉट में जाएंगे, इमेज साइज़ में जाएंगे। नाउ साइज़ को चेंज करते हैं, दैट इज़ 1546 कर लेते हैं, और ये अपना हाइट जो है इसे कर लेते हैं 423। ओके कर देते हैं। नाउ सी ये जो आपका साइज़ है दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट साइज़, क्योंकि इसी में आप कोई भी बंदा या बंदी आपका अगर फ़ोन से चैनल खोलता है तो आपको ये साइज़ दिखाई देता है। सो ये वाला साइज़ आपको बहुत सोच समझ के करना है। तो मैं गैलरी से एक जो है इमेज को मैं अपना कॉपी कर लेती हूँ। सो आई एम टेकिंग दिस वन। सी गाइस इसमें मुझे चाहिए कि कोई भी अगर जो खोलता है वो मेरे ये नोमैडिक टेल्स, मैंने फेसबुक अपना ट्विटर और इंस्टा का जो अपना मैंने आईडी जो है वो बना के रखा था ये शो करे, मैं ये चाहती हूँ। सो मैं इसे बड़ा कर देती हूँ, इसके साथ मैं इसको फिट कर देती हूँ। सो ये फिट हो गए, सो फिट कर लिया मैंने। अभी फिर से अगेन सेव ऑप्शन में जाते हैं, सेव एज इमेज को हम लोग क्लिक करते हैं, तो सेव एज गैलरी में जाके हम इसको सेव कर देते हैं। इसको भी हम लोगों ने सेव कर दिया है, तो दो काम हम लोग ने कर लिया, दैट इज़ एक जो डाउनलोड करेंगे अपलोड करेंगे उसे हम लोग ने बना लिया है, और टेक्स्ट एरिया भी हम लोग ने बना लिया है। नाउ अब दोनों जो फोटो को उसे हम लोग मर्ज करके एक जगह में करेंगे। देखिए हम लोग ये डायमेंशन जो है इसके आप सोचते होगे कि क्या दो में क्यों काम करना पड़ेगा, हम लोग ये भी तो कर सकते हैं टेक्स्ट लोगो में काम करके इसको अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अपलोड के जो मिनिमम है उसे आपको करना पड़ेगा विच इज़ 2048 × 1152। सो गाइस फिर से मैं डिफ़ॉल्ट में चली जाती हूँ, ओके कर लेती हूँ। अगेन जो है वो जो इमेज के जो साइज़ है इसे मैं फिर से वो अपलोड वाले ऑप्शन में डाल देती हूँ, दैट इज़ तो इमेज वाले ऑप्शन जो है मैं उसे फिर से 2048 डाल लेती हूँ एंड 1152 कर लेती हूँ। ओके कर लिया। अब जो मैंने सेव करके जो इमेज अपना रखा था प्लस साइन करके, मैं उसे फ्रॉम गैलरी से यहाँ पर मैं जो है उसे मैं पिक कर लेती हूँ। सो गाइस मैंने अपना जो फर्स्ट इमेज है मैं उसे ले लेती हूँ, दिस वॉज द फर्स्ट इमेज। सो इसको मैंने यहाँ पर ले लिया। नाउ सेकेंड इमेज को भी हम लोग इस तरह से ही लेंगे। सो गाइस सेकेंड इमेज को भी हम लोग इसी तरह से ले लेंगे। सो प्लस क्लिक में मैंने क्लिक किया, फ्रॉम गैलरी मैं चली गई। गैलरी में जाने के बाद जो इमेज हम लोग ने करके रखा था दिस इमेज तो इसे सेव कर लिया। सेव करने के बाद इसको सिर्फ सेटिंग जो है उसका सही ढंग से कर लेंगे ताकि अपना जो डिस्प्ले है वो बेहतर से लिखे। सो दिस इज़ द थिंग। अभी मैं इसको जो है सो थोड़ा सही से सेट कर लेती हूँ। सेट करने के बाद नाउ
अपना जो काम है दैट इज बिन डन। अभी मैं इसको, ये दोनों फोटो को जो है इसे मैं यहाँ जाके सेव एज इमेज और सेव टू गैलरी कर लेती हूँ। सो गाइज, ये दोनों फोटो एक मर्ज होके दोनों सेव हो गए हैं। अभी जो अपना मेन इम्पोर्टेंट काम होगा इसे सिस्टम में अपलोड करना। सो मैं दिखाती हूँ इसको किस तरह से करते हैं। सो गाइज, फटाक से आप क्रोम में जाते हैं, क्रोम में जाके पेज खोल लेते हैं। वहाँ पर मेरा यूट्यूब, आप यूट्यूब लिख के इसे खोलिएगा, मेरा ऑलरेडी है तो मैं जस्ट क्लिक करती हूँ तो मेरा जो पेज है वो खुल जाता है मेरे चैनल का। मैं लॉगिन भी किए हुए हूँ। जस्ट एक सिंपल सा चीज़ मैं बोलूँगी, ये जो आपका जो मोबाइल के फॉर्मेट है इसको आपको बस डेस्कटॉप साइट में लेके जाना है। जस्ट यहाँ पर थ्री डॉटेड अपने राइट हैंड साइड के ऊपर में होगा, उसे क्लिक कीजिए। डेस्कटॉप साइट बोल के आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, जस्ट क्लिक ऑन दिस तो आपका जो डेस्कटॉप में दिखा हुआ दिखने वाला जो साइट है वो खुल जाएगा। तो चैनल आगे ये जो आप से क्लिक कीजिए तो आपको ये अपलोड के ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम क्लिक कर दीजिए, फाइल्स में जाइए, तो जो इमेज जो आपने ऑलरेडी सेव करके रखा था उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अपलोड ऑटोमेटिक हो जाता है आप जब सिलेक्ट करते हो तो। सो नाउ सो ये अपलोड हो गए हैं। अपलोड होने के बाद जो है यहाँ पर जो आपको सेव सिलेक्ट सिलेक्ट करने से, मैं सिलेक्ट कर देती हूँ। सो गाइज, ये जो है ये फाइनल स्टेप है, जो जिस तरह से मेरे चैनल आर्ट है वो दिखाई दे रहा है। सो आई बिलीव जो मुझे चाहिए था वो दिखाई दे रहा है, मेरे चैनल, मेरे फेसबुक अकाउंट का नाम, मेरे इंस्टा का, मेरे ट्विटर का, ये सब दिखाई दे रहा है इन दिस चैनल आर्ट। सो आई बिलीव कि आपको भी ये जो मेरे वीडियो है ये पसंद आया होगा, और मैंने बहुत ही सिंपल स्टेप में आपको बताया है। सो गाइज, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के सामने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जो है वो लेके आ पाऊँ। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय बाय।